जैसा कि आज जो वाकया हुआ, बहुत ही अफसोस के साथ और मैं शर्मिंदगी के साथ ये बोल रहा हूँ, हैदराबाद बहुत अपने आप को डेवलप बताता है हर जगह, मगर हमारे पास ऐसे कई ऐसे सड़कें हैं जहाँ पर हर सड़क के अंदर आपको ऐसे बड़े बड़े जो है ना गड्ढे दिखाई देंगे जिससे कि बहुत लोगों को ख़तरा है। तो ये इमलीबन की रोड है, यहीं पर जो है ना दो नौजवान को जो है ना मौत के घाट उतरना पड़ा मजबूरन, सिर्फ़ एक गड्ढे की वजह से, सिर्फ़ एक गड़ा जो वजह थी, सिर्फ़ एक गड़ा। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट रुक कर देखा, तकरीबन इतने लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है, सिर्फ़ ये गड़ा, एक बार बताओ ज़रा नसीर वो गड़ा, और ये रोड बताओ, मेन ये रोड बता दो, और ये पूरी रोड पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ गड़े ही गड़े हैं, ऐसा दिख रहा कोई अपन खेड़ेगांव में आ गए। तो ये हैदराबाद का जो एक शहर है, तो ये GHMC की बहुत बड़ी लापरवाही है और इतनी अफसोसनाक जो है ये वाकया हुआ आज हैदराबाद के अंदर, जो कि हम सबको नौजवानों को सोचना है। तो खैर आज एक दिन नहीं बल्कि हर दिन इंशाल्लाह हमसे जितने गड़े जो है ना बंद करने का जो काम हमसे अल्लाह लेगा, हम हर वो गड़े बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। डालो भाई, डालो जल्दी डालो, जल्दी डालो, डालो डाल डाल। अपने जो हैदराबाद के जो आउटस्कर्ट्स है वहाँ पर भी कई ऐसे हादसे हो रहे हैं जो कि दिल दहला देने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे, नौजवान बच्चे, जिसके अंदर हमारे बहनें हैं, बुजुर्ग है। तो बहरहाल हम सबको जो है ना एक अच्छा सा एक मोटिव लेकर हम सबको आगे आना है और हम सबको एक आईने की तरह काम करना है, एक आईना बनने की कोशिश करना है। देखिए अगर हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो मैं शायद समझता हूँ कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी काम करने पे, हुकूमत मजबूर हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो नौजवान देख रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह ये जज्बा रखते हैं, इंसानी जज्बा रखते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं अल्लाह के करम से। तो कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत छोटा काम है, मगर इसके लिए थोड़ी बड़ी नीयत करना पड़ता, छोटा काम है। तो बहरहाल हमारे हुकूमत के पास टाइम ही नहीं है, हमारे हुकूमत के पास टाइम ही नहीं है, अपने आप को सेकुलर बताती है मगर कुछ काम और करती है। तो GHMC की बहुत बड़ी लापरवाही है और ये GHMC तक हमको पहुंचाना है। तो बहरहाल हैदराबाद के जितने भी गड़े हैं मेरे भाई, नौजवानों को गुजारिश कर रहा हूँ, निकल जाओ घरों के बाहर, जितने गड़े हैं बंद कर दो, हुकूमत को मजबूर कर दो। हमारा टैक्स का पैसा होल्डिंग्स के अंदर जाता, हमारा टैक्स का पैसा गैर ज़रूरी चीज़ों में जो है ना लगाकर हमारे टैक्स का पैसा हर वो चीज़ को बेफजूल खर्च किया जाता, तो हमारा टैक्स बेफजूल खर्च होता। बड़े बड़े जो है ना प्रोग्राम्स में सीमेंट डालेंगे खाली, बस लाइट पानी छोड़ देंगे। TRS हुकूमत के तरफ से सिर्फ वादे ही वादे, वादे ही वादे, वादे ही वादे, ऐसे वादे होते हैं करोड़ों रुपए के, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो बहरहाल ये वादे एक खोखले है, बेभरोसे है। तो बहरहाल हुकूमत की बहुत बड़ी लापरवाही है, आज दो जानों की जो है ना आज जिम्मेदार है हुकूमत, हुकूमत जिम्मेदार है। आज एक गड़े से दो नौजवान, घर के चिराग खत्म हो गए, घर के रोशनी खत्म हो गई, हाँ माँ बाप की हिम्मत खत्म हो गई। 2 महीने की एक लड़के की तो 2 महीने की शादी हुई थी, तो सोचो वो घर पे क्या मातम बीत रहा होगा। हम तो हमारे घरों में बिजी है, हमारे जिंदगियों में खुश है, बस अल्लाह का करम है, अल्लाह हमसे काम ले रहा है और हम काम करते जाएंगे इंशाल्लाह। अपने गली में जितने भी गड़े हैं आपस में मिलके बंद कर लो, क्योंकि अपन जितना बोलेंगे ये लोग इतना ही नज़रअंदाज करेंगे, मजबूर कर दो, निकल जाओ काम। अगर कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आ रहा तो खुद ही झाड़ू मार लो रोडों पे, क्योंकि GHMC को सिर्फ अपनी परवाह है। रिसेंटली हैदराबाद के अंदर भी इतने बड़े बड़े फ्लड्स आए, उसके बाद में GHMC फिर वही अपना गाना। हाँ एक छोटा बच्चा जो जंगली कुत्तों का शिकार हो गया, उसके बाद GHMC को अकल आई, कुत्ते पकड़ना है हमको, कुत्ते पकड़ना है। अब गड़े से दो बच्चों की जो है ना मौत हो गई, अब फिर अकल आती गड़े बंद करने की। तो बहरहाल इन लोगों को बोलना बेकार है, सिर्फ अपने को जो करना है, जो अपनी सोच है। देखो आज सिर्फ मुखालिफत करने से फ़ायदा नहीं है, अब हमको काम करना है और अब हमको काम करके बताना है इंशाल्लाह, और हम काम करके बताएंगे। ये जितने भी देख रहे हैं ना भाई, इधर आओ भाई, कोई इधर आओ, बताओ जी, ये देख रहे हैं ना मेरे भाई, इनको कुछ भी नहीं है, इनको ये जो नौजवान है ना
ये लोगों को इंसानियत से मोहब्बत है, इंसानियत से, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत से मोहब्बत है। अपना घर दार छोड़ के जो आज ये रोड के ऊपर जो गड़े बंद कर रहे हैं ना, तो इनको एक रुपये मिलने वाला नहीं है, एक रुपये नहीं मिलने वाला है, सिर्फ दुआ मिलने वाली है, सबसे बड़ी दौलत है। तो बस ये गड़ों से हर एक जो है ना घर का चिराग बुझने के खतरे हो सकते हैं। जैसा आज जो दो घरों की रोशनी चले गई, सोचिए उन माँ बाप का जो जवान लड़के का जो है ना जनाजा एक बाप के खंधे पे, तो सोचिए मेरे भाई, सोचिए। तो बहरहाल हमको सिर्फ मुखालिफत करना, इन्हू ये नहीं करे, उन्हू वो नहीं करे, अरे इन्हू करते ही नहीं, मगर हम क्या करें, अपने आप में जो है ना अपने को सोचना है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आप लोगों सबका।